वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं पनीर का पोहा बनाने जा रही हूँ, ये यमी पोहा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम पनीर लेंगे, प्याज लेंगे, हरी मिर्च है, ये जीरा है, काली मिर्च का पाउडर है और 250 ग्राम पोहा है फ्रेंड्स, और धनिया का पत्ता, सरसों का तेल, कड़ी पत्ता, राई और नींबू। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च, जीरा और राई एक साथ डाल देंगे ताकि उस तड़का अच्छे से लगे। जब ये हमारा अच्छे से हो जाए तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता हमारा हो गया। अब हम प्याज, एक प्याज जो मैं कट करके रखी थी वो प्याज में डाल दी, बादाम, और हम इसे कुछ देर फ्राई होने के बाद हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। 250 ग्राम पोहा है तो मैं पनीर ज़्यादा नहीं ली हूँ। और अब हम पोहा को जो पानी से धोने के बाद उसको जो धोकर मैं रखी थी वो मैं पोहा को डाल दी हूँ। एक दो पानी से हमें पोहा को धो देना रहता है, धोने के बाद उसे ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है। और अब हम इसमें नमक, हल्दी और ये धनिया पत्ता डाल के हम गार्निश कर देंगे और नींबू डाल दूंगी मैं, और हल्दीराम का हम मिक्सचर डाल के इसे बहुत ही अच्छे से सर्व करके और इसको इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।